शौचालय घोटाले को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे समाज सेवी सचिन चौधरी भूख हड़ताल 8वें दिन अधिकारी द्वारा जांच करवाने का आश्वासन मिलने के बाद समाप्त हो गई। सचिन चौधरी की भूख हड़ताल के बाद से माहौल को देखते हुए सरकार ने अमरोहा के लिए 10,000 शौचालयों को मंजूरी भी दे दी। अमरोहा से असलम साबरी, लाइव अभी तक। जावेद आफरी जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सहयोग रहता है उनका भी। एक पत्रकार हमारे बंधु उनको जो अपनी एक अच्छी कार्यशैली की वजह से सरकार के नकारात्मक तरीके से चैनल से भी निकाल दिए गए हैं लेकिन हौसला नहीं आ रहा, तो पुण्य पुष्पन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राजी सभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार धरने के टच में रहे और लगातार सपोर्ट करते रहे, इन सबका मैं बहुत बहुत, ये हमारे राज्यसभा सांसद हैं, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन सब की वजह से आज हम इस मुहिम में कामयाब हुए। प्रेशर पड़ा इनके ऊपर, मीडिया और सबसे पहले आप सबका, मैंने इन सबका, मेरे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं मीडिया बंदों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों के पास बहुत ताकत है, इस ताकत को थोड़ा सा और थोड़ा सा अगर आप मजबूती से, जनता है आपके साथ, आप पे विश्वास भी करती है जनता, अब देखो अधिकारियों पे विश्वास करती है। लैट्रिन तो जानवर भी नहीं खाते, ये से भी खा गए, शर्म की बात। आज से पहले देश में बहुत सरकारें आईं, मैं ये नहीं कहता घोटाले नहीं हुए, लेकिन ये पहला घोटाला है जिसमें जनता से पैसे लिए गए, कभी जनता से उगाही करके कोई चीज़ नहीं दी गई। वेरी सून मैं उसे करने वाला हूँ। हमारी लोकसभा में गढ़ भी आता है, अभी मैं 10 दिन बाद गढ़ DM को भी ज्ञापन दूंगा, अगर वो भी नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे भी धरना करूँगा।